झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और हम इस बार कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आइए उनके जीवन परिचय को जानते हैं। प्रसाद जी का जन्म सन 1888 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, कविताएं सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। तो सबसे पहले हम उनके नाटकों के बारे में जानते हैं। उनके नाटकों के शीर्षक हैं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास उन्होंने 3 लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अधूरा ही रह गया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। कहानी संग्रह जो हैं उनके शीर्षक हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाश दे। उनके निबंध संग्रहों के शीर्षक हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। काव्य संग्रह जो उन्होंने लिखे उसके हैं झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम और प्रेम पथिक शीर्षक हैं। उन्होंने कामायनी नाम का एक महाकाव्य भी रचा है और वह अपना बड़ा काव्यात्मक महत्व रखता है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुखता से मिलता है। उनके संपूर्ण साहित्य में और खासकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है कि वे भारत के राष्ट्रीय गौरव को प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की हमें झलक मिलती है। तो यह था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई शंका हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को डाल दें, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।